और यूपी में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण में 3 पुलिस कमिश्नरेट सहित कुल 38 जनपदों में होने वाले मतदान में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु किए गए पुलिस व्यवस्थापन के संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। तो आपको बता दें 11 मई को चुनाव है, यानी कि कल दूसरे चरण का, और ऐसे में उससे पहले क्या पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं और शासन प्रशासन किस तरह से तैयार है, पोलिंग पार्टियां किस तरह से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर इन्होंने जानकारी दी है। नगर निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण के 9 राजस्व मंडल तथा 38 जनपदों जिसमें 3 पुलिस कमिश्नरेट शामिल है के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद तथा 268 नगर पंचायत के पदों पर मतदान कल संपन्न होगा। उक्त मतदान हेतु 6380 मतदान केंद्र तथा 19584 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चिन्हित समस्त अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुसार वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण को के मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 1,00,000 सिविल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 76 कंपनी 2 प्लाटून बीएसी तथा 35 कंपनी सीएपीएफ तथा 7,935 परीक्षणाधीन उपनिरीक्षकों को लगाया गया है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु समस्त जनपदों में अभियान चलाकर 17,649 NBW, 7,225 वांछित अभियुक्तों तथा 4,000 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 अभियुक्तों को रासुका के अंतर्गत निरुद्ध किया गया तथा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 1,128 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 944 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 8,122 अभियुक्तों का चालान करते हुए 2,238 अभियुक्तों को जिला बजा किया गया है। उक्त कार्रवाई के क्रम में भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, शराब एवं मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत समस्त जनपदों के अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया से को सतर्क एवं सक्रिय करते हुए विद्वेषकारी तत्वों तथा आपत्तिजनक, वेदनात्मक एवं भड़काऊ पोस्ट करने वाले अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए शिफ्टवार राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर समस्त कार्रवाई तथा निर्वाचन प्रक्रिया का गहन अनुशीलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पूरी तरीके से तैयार तथा कटिबद्ध।